नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस डॉट कॉम मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बकरे बकरी की भूख को खोलने वाले, भूख को बढ़ाने वाले इलाज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, अगर बकरा बकरी को भूख कम लग रही है या नहीं लग रही है, वैसे में आप उसे कुछ भी खिलाने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे वो हरा चारा हो, दाना मिश्रण हो, या ड्राई फूड हो, या कोई लिक्विड हो, वो नहीं खाएगा नहीं पिएगा। जब तक बकरा बकरी को भूख नहीं लगेगी तब तक वो अच्छी ग्रोथ भी नहीं करेगा, क्योंकि वो अच्छा खाएगा नहीं, उसका वजन नहीं बढ़ेगा, जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं वो नहीं ले पाएगा। इसके अलावा आप पूरा टाइम परेशान रहेंगे उसके इलाज में कि इसका वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, इसे भूख क्यों नहीं लग रही है। तो सबसे पहले हमें उसकी भूख पर काम करना पड़ेगा। उसकी भूख अगर बंद है, नहीं खा पा रहा है, कम लगती है, तो उसकी भूख को खोलना पड़ेगा। ऐसे में आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया कि बरसात के मौसम में बकरा बकरी बहुत कम टहल पाता है, उछल कूद कम कर पाता है, क्योंकि उसे बहुत कम जगह में रहना पड़ता है। ऐसे में बकरा बकरी जब फार्म के अंदर पूरा टाइम रहता है, जंगल चरने नहीं जा पाता है, वैसे में वो जो खाता है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है। ऐसे में हमें उन्हें बाहर से ऐसे सप्लीमेंट देने होते हैं जिससे कि वो जो खाए वो समय से पचा ले, फिर चाहे उन्हें उछल कूद करने का टाइम मिले, जंगल जाने का टाइम मिले या ना मिले। तो ऐसे में क्या करेंगे कि क्या देखा है हमने, और बकरी पाले वो बताते हैं कि सर बरसात का मौसम है, ऐसे मौसम में बकरा बकरी थोड़ा सा खा लेता है, पूरा दिन गुमसुम खड़ा रहता है, बहुत ज़्यादा वेट लूज़ कर लेता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसे में सबसे पहले जो मूल मंत्र है जो हमें करना है, कि सबसे पहले बकरा बकरी की डिवॉर्मिंग करनी है। अगर आपने पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं पिलाई है तो सबसे पहले आप पेट के कीड़े मारने की दवा पिला दें, जिसमें आप नॉर्मल बकरा बकरी है, मतलब जो बकरी प्रेग्नेंट नहीं है, जो बकरे हैं उनके लिए आप निर्जान यूज़ कर सकते हैं। अगर बकरी प्रेग्नेंट है तो ऐसे में आप पैनाकोर की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका डोज पहले भी बता चुका हूँ, फिर मैं आपको बता दूँ कि ये जो निर्जान है इसके डोज की बात करें तो ये 3 किलो पर 1 ml आती है, मतलब 3 किलो पर 1 ml हमें देनी होती है बकरा बकरियों को, फिर चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा जानवर हो। अगर हम टैबलेट की बात करें, 25 से 30 किलो पर 1 tablet देते हैं, 50 किलो या उससे ऊपर की बकरा बकरी है तो 2 tablet देते हैं। तो पहले हमने कर ली डिवॉर्मिंग, इसके बाद हमें देना होता है उसे लीवर टॉनिक। लीवर टॉनिक आप चाहें तो घर पर बना हुआ दे दें, हमने बनाना सिखाया है, आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप मार्केट से लाकर कोई भी लिफ्ट 52 या अपना ब्रूटोन लाकर पिला सकते हैं, जो कि 10 दिन तक पिलाना है। इसके बाद अगले महीने जब हम डिवॉर्मिंग नहीं कर रहे तब भी हमें लीवर टॉनिक पिलानी है, जिससे कि उसका लीवर मजबूत रहेगा तो उसे भूख अच्छी लगेगी। आप देखिएगा, ट्रायल लेकर एक बकरा बकरी को लीवर टॉनिक दीजिएगा, एक को ना दीजिएगा, तो दोनों में आप देखेंगे जिसको लीवर टॉनिक दे रहे हैं उसका लीवर मजबूत रहेगा तो भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, डाइजेशन भी ठीक रहेगा। इसके अलावा उसके बाद भी आपको लग रहा है कि बकरा बकरी की भूख नहीं खुल रही है, बकरा बकरी कम खाना पीना कर रहा है, खाना पीना छोड़ चुका है, ऐसे में आप देख सकते हैं पाउडर है, इसका नाम है लेटिफर अल्ट्रा, बहुत ही पावरफुल पाउडर है, आता भी बहुत कम प्राइस में है और आपको इजीली आपको मेडिकल में मिल जाएगा, तो इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। पहले हम इसके काम को जान लें कि ये क्या क्या फ़ायदा करता है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पेट का इन्फेक्शन, बकरा बकरी पेट में अगर इन्फेक्शन है, मान लो कि उसे बार बार गैस बन रही है, दस्त लग रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम है या अपच है उसे, तो वैसे में वो कम खाएगा, उसे कम भूख लगेगी। तो ऐसे में इस पाउडर के अगर डोज की हम बात करें कि अगर आप बकरा बकरी जो एडल्ट है उसे 5 ग्राम तक दे सकते हैं, जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो पेट में जितना भी इन्फेक्शन है, डायरिया या कुछ भी, तो उन सबको कंट्रोल में रखता है, उसे ठीक रखता है। इसके बाद हम बात करें तो जो हमारा बकरा बकरी है उसकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि पेट ठीक रहेगा तो खाना पीना अच्छा करेगा। जो फीमेल गोट्स है उसके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। दूध की जो समस्या इस समय चल रही है बकरियों में, बकरी पालकों को फ़ोन आते हैं कि बकरी ने बच्चा दिया उसके ऊपर दूध नहीं है, बहुत कम दूध है, 3 बच्चे दिए, बच्चों को कैसे पालें, तो वैसे में मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाता है। डेली बेसिस पे 5 ग्राम आप दे सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की, कि बकरे बकरी में अगर इम्यूनिटी सिस्टम, उसका प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी है तो बीमार कम होगा, तो बीमार कम होगा तो इलाज कम करेंगे, पैसा कम खर्च होगा, वो बीमार कम होगा जानवर तो पूरा टाइम एक्टिव रहेगा, जिससे खाना अच्छा खाएगा, तो इम्यूनिटी पावरफुल बनाता है ये पाउडर, बकरा बकरी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उससे भी बढ़ाता है। इसके अलावा जैसे हम दूध के बारे में बात कर रहे हैं, तो बकरियों में ज़्यादातर देखा गया है कि जब बकरी बच्चा देती है, बच्चा देने से पहले जब थन में दूध आ जाता है, वैसे में उसे थनेला रोग हो जाता है, जी हाँ, मेस्टाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से भी बकरी के थन में गठान हो जाती है और दूध होने के बाद भी दूध नहीं निकलता है, दूध के लीचड़े निकलते हैं, गाढ़ा दूध निकलता है, तो ऐसे में भी दूध की समस्या होती है। तो ऐसे में जब हम इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो बकरी के थन में थनेला रोग जो होने वाला होता है या जो हो चुका होता है उसे भी कंट्रोल में रखता है। तो लेटिफर अल्ट्रा एक अकेला पाउडर है लेकिन बहुत सारी बीमारियों से बकरा बकरी को बचाता है।
इसके अलावा जो मेन काम है इसका, जैसे मैंने बताया है कि ये पेट संबंधित सभी समस्याओं को खत्म कर देता है, पेट में होने वाली समस्याओं को रोकता है, जिससे बकरा बकरी का पेट हमेशा ठीक रहता है और बकरा बकरी को भूख बहुत अच्छी लगती है। तो पहले भी मैं कुछ डाइजेस्टिव टॉनिक लेकर आया था आपके लिए, उसी तरह पाउडर है। अगर किसी तरह की डाइजेस्टिव टॉनिक अगर नहीं मिलती है, पिलाने खिलाने में दिक्कत आ रही है, तो इस पाउडर को आप डेली बेसिस पर 5 ग्राम, हफ्ते में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 दिन देना है। जो आप देंगे तो आप देखेंगे आपकी बकरी में, बकरे में जो भी समस्या है वो ठीक हो जाएंगी। भूख कम लग रही है तो भूख बढ़ जाएगी, उसे आप जो भी खिलाएंगे वो खाएगा, क्योंकि बकरा बकरी को जो भूख लगती है, तो आप अगर सूखा चारा दे रहे हैं पूरा टाइम, हरा चारा नहीं भी है तो भी पूरा सूखा चारा खा जाती है, जिससे कि वो अपना पेट भर लेती है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इस पाउडर को इस्तेमाल करने के बाद देखा गया है कि बकरे बकरी की ग्रोथ, वजन बढ़ना बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो क्यों ना आप भी इस पाउडर का इस्तेमाल करके देखें, और जो प्रोसेस मैंने बताई आप उसे फॉलो करें, जिससे कि आपका बकरा बकरी भूख लेगी। आपको किसी और चीज़ पर काम नहीं करना है, सबसे पहले आपको अपना बकरा बकरी की भूख पर काम करना है। तो आपकी जो कंप्लेंट है कि बकरा बकरी की ग्रोथ नहीं हो रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है, वो सारी कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अगर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।